हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। राधे राधे। मुंह मीठा करिए आप लोग भी। सुबह सुबह मैं नाश्ता करने आई हूँ, नहा धो के बस आ गई हूँ और बैठ गई हूँ जलेबियाँ लेके। सबकी फेवरेट है भाई, मेरी भी फेवरेट है। तो डाइटिंग वाइटिंग एक तरफ, थोड़ा सा जलेबियों का चटकारा लिया जा। दही जलेबी तो गर्मी में वाह वाह वाह, क्या कहने। जिसको जिसको चखती लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो और मेरा ब्लॉग पूरा देखा करो। अरे गजब मज़ा आ रहा भाई, मुँह में पानी तो नहीं आ रहा आप लोगों के। और यहाँ आ गए खीरा वाले भैया, तो मैं लूँगी खीरा क्योंकि गर्मी है। तो भाई खीरा ना खाया तो कुछ ना खाया। और कहते हैं ना आँखों पे भी और चेहरे पे भी ग्लो करने के लिए खीरा खाना चाहिए, तो मैं ले रही हूँ रेस्टोरेंट के खीरे। और यहाँ पर देख लीजिए पेमेंट भी कर दिया मैंने, और मैं खीरे अब ऊपर ले लूँगी। भैया थोड़े पैसे रह गए हैं, वो फुटकर वो डाल दें जो पैसे मेरे बच्चे हैं उनके पास। और ये 20 रुपये के 4 चल रहे इस समय खीरे, और मैंने दिए थे 50 का नोट। तो फ्रेंड अब बस रस्सी बांध के ऊपर घसीट रही हूँ मैं, ये लिफ्ट द्वारा मेरे यहाँ सारा सामान होम डिलीवरी हो रहा है। तो भैया ये आ गया है, ये देखिए ना। गांव में लोग कुएं में से पानी भरते थे तब रस्सी से यूज़ करते थे, लेकिन हम शहर वाले रस्सी से सारा काम करते हैं। यहाँ पर मैं आ गई हूँ भिंडी काटने, क्योंकि अब शाम हो गई है तो शाम को भिंडी काटेंगे और बनाएंगे भिंडी की सब्जी। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी आइए जिसे जिसे भिंडी पसंद है। ये देखिए फटाफट भिंडी काट लूँ, फटाफट 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 कितनी जल्दी काट रहे हैं ना। ये देखिए भाई, तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग भैया लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। आप लोगों की दुआ से तो ये चैनल चल ही रहा है भाई। तो मैं चलती हूँ किचन में, आप लोग भी आ जाइए, क्या क्या बनेगा देखते हैं। किचन में बना रही हूँ भिंडी जो मैंने काटी थी, और यहाँ चढ़ा दिया मैंने खीर। खीर किसको किसको पसंद है, हमें तो बहुत पसंद है। यहाँ पर मैं डालूँगी खीर में काजू। आप लोग देखते जाइए मैं कैसे बनाती हूँ। और काजू डालूँगी इसको मैं यहाँ पर ओखली के अंदर, अदरक वाली ओखली में कूट लूँगी, काटूँगी नहीं, क्योंकि कूट लूँगी। कूटने से क्या होगा, तो बच्चे भी ना ढंग से खीर खा लेते हैं, अगर पड़े होंगे तो नहीं खाएंगे। तो आजकल के बच्चे ना ये सब चीज़ें निकाल देते हैं, तो हमारे बच्चे तो यही करता है। तो हमने तो इसमें कूट दिया फटाफट से, फटाफट ओखली में, और मैं ओखली में कूट दूँगी। और कैमरा थोड़ा सा सेट कर लूँ क्योंकि आप लोगों को दिखा नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ओखली से फटाफट से कूट दूँगी, और आप लोगों को बताती हूँ मैं कैसे खीर बनाती हूँ और क्या क्या डालती हूँ। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर बारीक करके कूट दूंगी। संस्कार तो मुझ में कूट कूट के भरे, पर बारीक हो जाने की वजह से किसी को दिखाई नहीं देते भाई। देखो ये रहे मेरे संस्कार। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने कूट दिया, और मस्ती भी कर रही है आप लोगों के साथ, और बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो फटाफट से ही देखिए कॉमेडी भी करती जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने बारीक कर दिए है, और अब मैं इसको इसके अंदर कुकर में डालूंगी। और क्या क्या डालूंगी ये लोग आप लोग बने रही मेरे ब्लॉग में, तो देखिएगा क्या क्या डालती हूँ। ये मैंने बारीक कर दिया जिससे कि स्वाद भी इसमें सारे मेवाओं का आ जाए, और खीर भी अच्छी बने, और बच्चे भी ना फेंकें। तो एक पंथ सारे काम, एक पंथ दो काज, लेकिन मैं तो कह रही हूँ सारे काम, क्योंकि बच्चे भी खा लो फेंके भी ना। तो यहाँ पर ये सारे बारीक हो गए हैं, आप लोगों को भी दिखाती हूँ, हाथ में निकालूंगी तब दिखाऊंगी। तो मैंने दरदड़े कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और अब मैं सारे काजू बादाम जो है ये डाल दूंगी यहाँ पर, और ये अब मैं यहाँ पर किशमिश वगैरह डाल दूंगी। और किशमिश तो कूटी नहीं जाएगी, तो किशमिश सिर्फ ऐसे ही डालूंगी, बिन ली है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये देखिए किशमिश, ये मैंने इसमें छोड़ दी अब मैं आ गई यहाँ पर लेके मखाने, ये भी मैंने बिन लिए और डाल दिए, ठीक है ना। और अब यहाँ पर बनेगी खीर, और खीर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है, वो क्या है, इलायची। तो क्योंकि भगवान को भोग लगाएंगे ना, तो इसमें इलायची की खुशबू ना हुई तो बेकार है। तो ये देखिएगा यहाँ पर मैं लाऊंगी अब इलायची, और इसको भी कूटूंगी, पहले चम्मच से चला दूँ यहाँ पर, आप लोगों को दिखा भी दूँ कैमरा उठा के। ये देखिए पानी में थोड़ा रखती हूँ, दूध में ही बनाऊँगी क्योंकि पानी थोड़ा सा बिल्कुल रखती हूँ, आधा गिलास।
और खीर में सिर्फ दूध ही दूध डालूंगी क्योंकि दूध की खीर अच्छी लगती है। इसको किसको अच्छी लगती है जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट। और फ्रेंड अब देखिए मैं इलायची लेके आती हूँ अभी फ्रिज में से क्योंकि इलायची भी कूट लूँगी 4 से 5। ये भी थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी, दरदरी टाइप की रखूँगी। तो कैमरे में नहीं नज़र आ रहा है, अभी दिखाती हूँ कैमरे में घुमा के। कैमरा नहीं सेट हो पाता मेरा ऐसी मेरे से, क्योंकि मैं पकड़े पकड़े करती हूँ ना तो हो नहीं पा रहा। तो कैमरा सेट कर लूँ जल्दी से। यहाँ पर अदरक डाल दी मैंने, इलायची इलायची कूट रही हूँ फटाफट से। और अब कूट करके मैं फटाफट से यहाँ पर जाऊंगी। नहीं मेहनत का काम है भाई, ये लो भाई पिस गई, थोड़ी सी कसर थी वो भी हो गई सही। अब मैं जो इनके छिक्कल है वो निकाल लूँगी, ऐसे से हाथ से मिस दूँगी तो जो छिक्कल है ना वो अलग हो जाएंगे एकदम से। अब ऐसे कर दिया, अब जो इसमें पिसी हुई है इलायची वो मेरे पास आ जाएगी, जो छिक्कल है वो बाहर चले जाएंगे और यहाँ पर इलायची पिस गई पूरी देखिए। और ये मैं डाल दूँगी, कम से कम आधा चम्मच है यहाँ पर मैंने डाल दी। और अब मैं ये खीर चला दूँगी, अब यहाँ पर ये खीर जब बन जाएगी तब मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और यहाँ पर लगाती हूँ सीटी, क्योंकि मैं कुकर में सीटी ज़रूर लगाती हूँ जिससे कि जो खीर आधे घंटे में बनेगी वो यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट में बन जाएगी। और बनने एक सीटी लगने की देर है, इसके बाद से सिर्फ दूध जो है हम इसमें डालेंगे तो उसको भी सिर्फ 2-4-5 मिनट मुझे खोल लाना है। और इसके बाद आप खीर देखेंगे ज़रूर कि कितनी अच्छी झटपट खीर कैसे बनती है, झटपट खीर है। क्योंकि आप जब पतीले में या किसी चीज़ में रख करके पकाते हैं, बड़े कोई प्रोग्राम होते हैं तो खीर बनाने में बहुत टाइम लगता है। आप कभी भी बड़ी खीर बनाइएगा तो सीटी ज़रूर मारिएगा। सीटी से क्या होता है, सिर्फ 1 से 1.5 सीटी मारिएगा इसके बाद खीर बनाइएगा। कभी भी कितने भी बड़ा भोज कर रहे हो, कुकर बड़ा हो, खीर जल्दी बनेगी। बाकी आपकी पसंद है, मुझे तो जब लगता है कि मैं अकेले ढेर सारा काम करती हूँ तो मैं ऐसी खीर वगैरह बनाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर सीटी लगने को छोड़ दी है, अब सीटी आ जाए बस, भिंडी भी रेडी हो गई है। फटाफट से मैं फिर पूड़ी सेकूँगी और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, अच्छा लगेगा ना। तो ये देखिए फटाफट बड़ा सीटी लग रही है और मैं खीर में उबाल भी आ गई और मेरी खीर इतनी देर में बन के रेडी भी हो गई है। आ जाइए देखिए पूड़ियाँ बनने लगी, आ जाओ जल्दी जल्दी फटाफट से। ये देखो खीर में उबाल आ रही है ना, देखो कितनी अच्छी बन रही है। अभी टाइम लग रहा है 2-4 मिनट और है बस, जब बन के रेडी होगी तो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये देखिए पूड़ियाँ निकाल दूँ और इधर भगवान को भी भोग लग जाएगा। फटाफट से मैं पूड़ियाँ सेकती हूँ और आप लोगों को सर्व करती हूँ, आप लोग भी खाइएगा मेरे हाथ की खीर पूड़ी सब्जी। तो फ्रेंड अब पूड़ियाँ गर्मा गर्म बन के रेडी हो गई हैं और मैं थाली में सर्व करूँगी और आप लोग भी आइएगा और मैं भी आऊँगी क्योंकि मुझे भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है और भगवान को भोग भी लगा दूँ सबसे पहले तो मैं। तो फ्रेंड यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ियाँ रेडी और ये थाली चलेगी बेटे के लिए लगाइए, पहले मैं भगवान का भोग लगा दूँ मेरे भगवान के लिए मैं यहाँ से लिए जा रही हूँ। और यहाँ पर आ गई मैं पूड़ी सब्जी खीर, आप लोग भी आइए और फटाफट से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। बाय बाय, राधे राधे।